नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आपने कभी अनुभव किया कि आजकल हम अपने जीवन में एक शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं? मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आज तो बड़ा ही स्ट्रेसफुल डे था, आज तो मैं मीटिंग के बाद एकदम स्ट्रेस्ड हो गया। जिस तरह से आप कभी भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उसी तरह अगर आपके हाथ एक ऐसी चाबी लग जाए कि आज तो मैं बहुत रिलैक्स था, आज तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आज का दिन तो बहुत ही रिलैक्स्ड गया, यानी एक ऐसी चाबी जो जब आप चाहें आपको रिलैक्स कर सके, आज मैं आपको बताऊंगी। ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और ये 2 से 3 प्रैक्टिसेस किसी भी वक्त आप कीजिए, ये आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगी। कौन सी हैं ये क्रियाएं, कैसे इन्हें करना है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। जीवन में बहुत ज़्यादा थकाने वाली एक चीज़ है निंदा, क्रिटिसिज्म। अगर हम नियमित रूप से किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं निंदा सेशन। अक्सर हम दफ्तरों में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या अपने फ्रेंड्स के साथ निंदा सेशन करते हैं। निंदा सेशन एक फ़नी सा नाम है, लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी बुराइयाँ कर रहे हैं। पर आपने अनुभव किया होगा कि उसके बाद हम बहुत थका हुआ अनुभव करते हैं। निंदा बहुत थकाने वाली होती है, वहीं एप्रिसिएशन हमेशा खुश करने वाला होता है। निंदा से बचिए, निंदा जहाँ हो रही हो वहाँ से भी अपने आप को बचा करके रखिए। आप देखेंगे इस तरह से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को सेव कर पाएंगे। आइए जानते हैं कौन सी हैं आसान सी योग की क्रियाएं जो आपके लिए चाबी का काम करेंगी एनी टाइम रिलैक्स होने के लिए। दुनिया भर से लाखों लोग भारत योगा लाइफस्टाइल रिट्रीट मुक्तेश्वर हिमालय पर पहुंचकर अपने रोगों को दूर करने की कला सीखते हैं। आप भी भारत योगा रिट्रीट मुक्तेश्वर में आइए, वंदनीय गुरुदेव व श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में स्वास्थ्य पाइए। एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल स्टे, tasty sattvic meals, everyday yoga and healing therapies. Come and join us. WhatsApp for more details. Anytime relax होने के लिए आपको सिर्फ 4 क्रियाएं करनी है। सबसे पहले आप कहीं पर भी खड़े होकर के अपनी गर्दन को back, front, back, front ये movement दें। फिर side, 10 बार ये movement दें। और फिर half circle, 10 बार ऐसा करें, रिलैक्स। दूसरे स्टेप में हाथों को अपने कमर पर टिका करके कंधों को बैक और फिर फ्रंट, बैक, सिर्फ कंधों का मूवमेंट हो रहा है, फ्रंट, बैक, फ्रंट। तीसरे अभ्यास में हम तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, अपर हाफ को ऊपर ही स्ट्रेच करना और सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, एक्सहेल एंड बैक, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल एंड बैक, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल एंड बैक, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल एंड बैक। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। और अंतिम अभ्यास में हाथों को सामने की ओर फैलाना, ट्विस्ट करना, वापस आ जाना, ट्विस्ट करना, वापस आ जाना, ट्विस्ट करना, वापस आना, इनहेल, एक्सहेल। सिर्फ इतना सा काम, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, एक हाथ पेट पर, एक सीने पर, पूरा डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेल। जब आप इनहेल करें तो पेट आपका वहीं रहेगा, सिर्फ चेस्ट का एक्सपेंशन और चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे, ब्रेथ अवेयरनेस जस्ट 3 to 4 टाइम्स एंड रिलैक्स। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए, ब्रेथ अवेयरनेस कीजिए, दिन में जब भी समय मिले मुक्त हास कीजिए। अगर आप देखना भी चाहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अगली बार जब आप थके हुए हों, चिंतित हों, स्ट्रेस्ड हों, दिल खोल करके हंसिए, आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा छोटा सा काम आपके लिए रामबाण का काम करेगा कभी भी रिलैक्स हो जाने के लिए। जाने से पहले हमारे नुस्खे ज़रूर लेते हैं। दिन में 2 बार कम से कम सौंफ का काढ़ा पीजिए, लेमन टी का सेवन कीजिए, सौंफ के काढ़े का सेवन कीजिए, दिन में फ्रूट्स खूब खाइए, सैलड्स का सेवन कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, योगी बने, उपयोगी बने।